आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 1/7/2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के अवसर पर गया जिले के सभी थानों में आम नागरिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गया जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उक्त जागरूकता कार्यक्रम में सभी थानों पर जाकर भाग लिया जा रहा है। साथ ही साथ वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उक्त नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान का क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा स्वयं भी सिविल लाइन थाने में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा सिविल लाइन थाने में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आए आम नागरिकों को संबोधित किया तथा नए कानून से आने वाले बदलाव के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि भारत की विभिन्न परिस्थितियों एवं जागरूकता के हिसाब से नए कानून की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि कैसे पीड़ित व्यक्ति को न्यायिक सहूलियत प्रदान की जा सके। संबोधन के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा उक्त कार्यक्रम भाग लेने आए व्यक्ति को नए आपराधिक कानून से संबंधित बुकलेट प्रदान की गई। साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को नए कानून में महिला से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। पूरे गया जिला के सभी थानों में जो नए कानून हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं अलग अलग थानों में जाकर के उसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया है और आम नागरिकों को इस संबंध में बताया गया है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उसमें बदलाव से क्या क्या अधिकार नए दिए गए हैं, क्या क्या उससे उनको आम नागरिकों को फायदा होगा, इसके संबंध में बताया गया है। और आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कानून में बेहद बदलाव किया गया है और यह जो नया 3 नए जो कानून बने हैं वो भारत के लोगों के द्वारा जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए उनके द्वारा जो कानून है वो बनाया गया है। पूर्व का जो कानून है आप लोग को जानकारी होगी कि वो आज़ादी से पहले का कानून था और उसमें कई सारी चीज़ें नहीं थी जो कि आज के समय में होनी चाहिए थी, तो उसको नए कानून में उसको लाया गया है। मुख्य रूप से डिजिटल जो तरीके से काम काज पे उस पर जोर दिया गया है तथा हर एक चीज़ इसमें एक टाइम लिमिट बनाया गया है जिसके तहत कार्य किया जाएगा ताकि न्याय जो है वो त्वरित गति से मिल सके। इसके अलावा इसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ में इसमें जो विक्टिम सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इसमें अपनाने के लिए कहा गया है, मुख्यतः जिसमें जो FIR है वो कहीं से भी दर्ज कराया जा सकता है और साथ में जो हर एक चीज़ पारदर्शिता लाने के लिए सभी सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।